Hello everyone, welcome to online class. In this video, we are going to discuss a very important topic, that is nervous system. Right? I hope you have completed in previous classes like animal tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and today we will discuss nervous system. Right? Nervous tissue. About the nervous system. Our nervous system consists of three basic parts. First, brain. Second, spinal cord. And third, nerves. Right? Our nervous system works like a computer. जैसे आपने कंप्यूटर में देखा है, क्विक रिस्पॉन्स देता है. कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो क्या करता है, वो क्विक रिस्पॉन्स देता है. जैसे कंप्यूटर मेन पार्ट कौन कौन होते हैं, मॉनिटर, सीपीयू एंड यूपीएस. राइट? तो सबसे बेसिक पॉइंट उसको मानते हैं सीपीयू को. सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. उसी तरह से हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ये कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, इसी वजह से नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व इंपल्स. ब्रेन क्या करता है, द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन रिसीव द मैसेज. ब्रेन क्या काम क्या होता है, मैसेज को रिसीव करना. और किसके थ्रू करता है, थ्रू स्पाइनल कॉर्ड. सपोज दिस इज द ब्रेन और दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज द इम्पल्स. ये क्या होते हैं, इम्पल्सेस. राइट? तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन मैसेज को क्या करता है, कोई भी मैसेज हमारी बॉडी पार्ट से अगर कोई इमीडिएट होता है तो क्या ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को रिसीव करता है. और किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड को मोटिवेट करता है मैसेज को पिकअप करने के लिए. और मैसेज कहां पे जाता है, ब्रेन को. और ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स के थ्रू. राइट? तो ब्रेन ने क्या मैसेज को रिसीव किया, किसके थ्रू किया, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. और स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज को दे दिया ब्रेन को. और ब्रेन ने इमीडिएट क्या क्या रिस्पॉन्स किया, नर्व इंपल्स को कैरी करने के लिए. सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. सपोज कोई मैं एक हॉट ऑब्जेक्ट लेते हैं, हॉट वाटर को. जब भी हम हॉट वाटर को टच करते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्रेन जो होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो एक इंफॉर्मेशन देता है, क्या आप अपने हैंड को हटा लो अदरवाइज आपकी स्किन जल जाएगी. तो ब्रेन क्या किया, ब्रेन ने मैसेज को क्या किया, रिसीव किया. किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड. एंड नर्व इंपल्स क्या किया, अपने हैंड को जल्दी से हटा लिए. किस लिए, कि हमारा हाथ जल जाएगा. राइट? तो एक क्विक रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड होता है. राइट? एनी बस सिस्टम में क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन को ही बोलते हैं नर्व सेल. राइट? तो और न्यूरॉन, न्यूरॉन कंपोज ऑफ न्यूरॉन, मतलब नर्वस टिश्यू कंपोज ऑफ न्यूरॉन. राइट? नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंपोज ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल. मतलब पूरा जो नर्वस टिश्यू है ये नर्व सेल या न्यूरॉन से बना होता है. राइट? ईच न्यूरॉन है डेंड्राइटॉन, डेंड्राइट एंड एक्सॉन टर्मिनल. देखते हैं, देखते हैं आपका ये स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं सेल बॉडी. एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म. राइट? दिस बॉडी इज द साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं सेल बॉडी. एंड दिस लॉन्ग बॉडी इज द एक्सॉन. And the gap between two axons is known as node of Ranvier, and this is the part of the cerebellum. We will discuss one by one.
साइटोन एक बॉडी है एक सेंट्रल न्यूक्लियस। इस न्यूरॉन की बॉडी में जो साइटोन पॉड्स है इसमें क्या कर दिया है सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म है जो मीटर ग्रेन्यूल और साइटोप्लाज्म आपका क्या है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बीच में क्या पाए जाते हैं मीटर ग्रेन्यूल, ये छोटे छोटे यहाँ पे इसको बोलते हैं मीटर ग्रेन्यूल। जो ब्रांचेज है स्मॉल ब्रांचेज है ये है डेंड्राइट एंड डेंड्राइट, ओके डेंड्राइट एंड डेंड्राइट दोनों में डिफरेंस है। डेंड्राइट का ब्रांच के एंड डेंड्राइट पहले ठीक कंपेयर टू डेंड्राइट राइट। एग्जाम है एक सिंगल लॉन्ग ब्रांच एग्जाम है एक सिंगल प्रोसेस है राइट। इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू मीटर लॉन्ग, जो नर्व सेल है सिलेंड्रिकल बॉडी है ये लगभग 3 मीटर हो सकता है 1 मीटर हो सकता है। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ए एग्जाम इट हैज 1 मीटर लॉन्ग राइट। द न्यूरॉन और नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल नोन एंड इट इज मेड अप ऑफ द नर्व सेल्स। और न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 पार्ट, फर्स्ट वन इज साइटोन, सेकेंड डेंड्राइट एंड थर्ड एक्सॉन। मैंने आपको पहले बताया किस पार्ट आपका क्या ये है, सपोज ये क्या होता है बॉडी साइटोन है, साइटोन में क्या होता है द सेल बॉडी कंटेन द सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस ऑफ द नर्व सेल एंड ग्रुप ऑफ राइबोसोम, छोटे छोटे ग्रुप ऑफ राइबोसोम आर ऑल्सो सीन इन द साइटोप्लाज्म नोन एज मीटर ग्रेन्यूल। ये जो ग्रुप है राइबोसोम के ग्रुप राइबोसोम का की करते सीन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइटोन इज नोन एज मीटर ग्रेन्यूल एंड इन द साइटोन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस सीन इन द साइटोप्लाज्म। बॉडी ऑफ साइटोन राइट। नेक्स्ट द मेन फंक्शन ऑफ द साइट डेंड्राइट, डेंड्राइट का काम क्या होता है द मेन फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट द मैसेजर रिसीव बाय द सेल बॉडी एंड न्यूरॉन इट इज ट्रांसमिट टू नर्व सेल्स। ये किसको मैसेज को रिसीविंग मैसेज को ट्रांसमिट करता है किसको आप नर्व को फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन बॉडी क्लियर। सेकेंड आपका एग्जाम है एग्जाम, एग्जाम इज लार्ज थिक एंड सिलेंड्रिकल प्रोसेस ग्रोइंग आउट ऑफ द सेल बॉडी, जो कि सेल बॉडी से क्या करता है ग्रोइंग करता है एंड देयर इज द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज नोन एज नोड ऑफ रेंडियर राइट। एंड लास्ट फाइंड द मैसेंजर मैसेज रिसीव बाय द सेल बॉडी ऑन न्यूरॉन ट्रांसमिट थ्रू द डेंड्राइट टू एग्जाम एंड फाइनली रीचिंग द टर्मिनल नॉब्स। टर्मिनल लॉस मैसेज क्या कोई मैसेज आता है यहाँ पे क्या करता है टर्मिनेट कर देगा मैसेज को टर्मिनेट करता है किसके थ्रू साइनेप्स के थ्रू राइट। तो दिस इज द साइनेप्स कुछ आता है देखते हैं उसमें गैप है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्स राइट। यहाँ पे जो टर्मिनल बॉडी है यही चीज जो गैप होता है यहाँ पे दूसरा नर्व सेल इस तरह से बॉडी जो है आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इस तरह से जो आपका सेल बॉडी है इस तरह से क्या है एक न्यू न्यूरॉन ऐड होने लगता है। तो इसके जो बीच की गैप होती है इसको बोलते हैं साइनेप्स, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्स। Understood?
So this is very important for you. Everyone, learn this topic line by line.